आज हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 51। ये वर्कशीट आपकी 6 to 8 क्लास की है, ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आई है और आप लोग इसे हिस्ट्री में रखेंगे, ठीक है, SST के हिस्ट्री पार्ट में रखेंगे। क्योंकि पिछली बार कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था कि मैम जब आप बोलती हैं कि SST में रखें तो आप ये भी बता दिया करिए कि किस पार्ट में रखना है, ठीक है। तो आपको इसे हिस्ट्री यानी कि हमारे अतीत में रखना है, ठीक है। तो देखिए, अब सबसे पहले यहाँ लिखा है, आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ अपना क्लास वर्कशीट नंबर 51, अपना नाम, डेट और अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग डाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमें पढ़ना क्या है। अपनी विरासत को जानिए, ठीक है। विरासत क्या होता है कि जो हमारे बड़े लोग छोड़ के गए हैं, ठीक, उसको विरासत कहते हैं। अब हम लोग दिल्ली में रहते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों ने कुतुब मीनार घूमा होगा, और अगर किसी ने नहीं घूमा है तो जब लॉकडाउन खुल जाएगा, मेट्रो चल जाएगी, तो आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जाएंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट करेंगे अपने पेरेंट्स से कि वो घुमा के लाएं, परेशान नहीं करेंगे अपने पेरेंट्स को कि नहीं मुझे तो जाना ही जाना है, ठीक है, तो ऐसे बिहेवियर नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला लिखा है कुतुब मीनार। क्या लिखा है? इस पांच मंजिला इमारत के निर्माण का आरंभ 1193 यानी 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यानी सबसे पहले इसकी जो बुनियाद रखी गई वो किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यदि वे केवल इसके आधार का ही निर्माण करवा पाया था, यानी सिर्फ और सिर्फ उसने नीचे का ही बनवाया था, ठीक है, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। उसके बाद क्या लिखा है? अच्छा बताएं, मैथोलॉजी क्या है? मतलब एक फ़िलासफ़ी कहते हैं ना जिसे बूढ़े लोग मानते हैं, तो मेरी जब दादी थी तो यही बताती थी कि ये जो कुतुब मीनार है ना, ये थोड़ी नेस्ती की चीज़ है, जिसने भी इसे बनाया ना वो मर गया, इसीलिए ये आज तक कभी भी मुकम्मल हो ही नहीं पाई, ठीक है ना। लास्ट में कहते हुई लेकिन उसके बाद उससे प्रेम टकरा गया, इसलिए अब ऊपर जाने नहीं दिया जाता है किसी को। तो मेरी दादी कहती थी कि ये ना नेस्ती है, मतलब इसको ना कोई वो नहीं कर सकता। जो भी इसमें आया, देखिए, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाना शुरू करा और वो जो है मर गया, ठीक। देखिए, मैं ऐसी चीज़ें मानती नहीं हूँ, बस मैं आपको जस्ट मस्ती के लिए आपको ये बात बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके उत्तराधिकारी अल्तुतमिश ने लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर याद रखिएगा, द्वारा इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। यानी उसके ऊपर की जो 3 मंजिलें हैं वो किसने बनवाई? लाल बलुआ पत्थर से बनवाई गई अल्तुतमिश ने, ठीक है। जबकि इसकी अंतिम की 2 मंजिलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था, ठीक है। यानी इन्होंने किससे कराया था? संगमरमर एवं बलुआ पत्थरों से करवाया गया, ठीक। यानी आप देखिए, इन्होंने लाल बलुआ पत्थर से बनवाया, इन्होंने संगमरमर और बलुआ पत्थर से बनवाया, ठीक है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है, ठीक है। चलिए, तो अब हमने कुतुब मीनार के बारे में जान लिया, अब हम अगले के बारे में जानते हैं। अगला है आपका लाल किला, ठीक है। चलिए, अब हम लोग लाल किले के बारे में जानते हैं। लिखा है लाल किला, इसका निर्माण मई 1639 से अप्रैल 1648 के मध्य, ठीक है, यानी कि इतने लंबे टाइम तक मुग़ल बादशाह शाहजहां द्वारा करवाया गया, ठीक है। इसको किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया है। जब उसने अपना साम्राज्य की राजधानी, यानी कि जो उसका राज्य है, जो उसका मुल्क है, उसकी राजधानी यानी कि हमारा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये सब मिला के, ठीक है, राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्माण लिया। यानी कि उसने कहा कि हमारी पहले राजधानी आगरा थी, है ना, तो उसने कहा जब हम आगरा से दिल्ली राजधानी शिफ्ट करेंगे तो हमें भी यहाँ पे एक नया किला चाहिए। क्यों? क्योंकि आगरा में भी लाल किला है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। इसका निर्माण दिल्ली में यमुना नदी के तट पर लाल बलुआ पत्थर से किया गया, ठीक है। ये किस पे बना है? यमुना नदी के तट के ऊपर बना है, ठीक। इसके वास्तुशिल्प यानी कि जो उस पर कलाकारी का श्रेय, यानी जो इस पर नक्काशी वगैरह की गई है ना, इसका श्रेय यानी इसको किसको दिया जाए, डेडिकेट किसको किया जाता है? तो लिखता है उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। यानी इसको जो आर्किटेक्ट किया होगा वो उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया होगा। तो अब हमने लाल किले के बारे में जान लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका इंडिया गेट। तो क्या लिखा है? ये एक युद्ध स्मारक है, यानी ये युद्ध के द्वारा बनाई गई है। बताऊँ, मैं जब छोटी सी थी तब मुझे ये बात नहीं पता थी, जब मैं 6th क्लास में आई तब मुझे ये बात पता चली, 6th क्लास की SST की बुक में ये चीज़ है, तब मुझे पता चला कि इस इंडिया गेट के ऊपर नाम लिखे हुए हैं,
पहले मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी। उससे पहले मैं बहुत बार जा चुकी थी, लेकिन जब मुझे स्कूल से ये बात पता चली तो उसके बाद मैं स्पेशली गई थी इंडिया गेट ये देखने के लिए कि सचमुच इस पे नाम लिखे भी हैं या हमें उल्लू बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं आप लोग से भी कहूँगी कि अगर आप लोग इंडिया गेट गए और आपको ये बात पहले से पता थी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सचमुच आपको भी मेरी तरह सिक्स क्लास में ही पता चल रही है ये बात, तो आप लोग भी एक बार अब जब लॉकडाउन खुलेगा तो आप लोग इसे भी घूम के आएंगे, देख के आएंगे कि वाकई वहाँ क्या क्या नाम लिखे हैं। ठीक है, चलिए तो इंडिया गेट के बारे में पढ़ते हैं। ये एक युद्ध स्मारक है। ठीक है, इसका निर्माण 1940 से लेकर 1921 के माध्यम, ठीक है, और विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में किया गया। अब मैं आपको बताऊँ, देखिए हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ों ने हुकूमत कब करी, 1857 से। ठीक है, अंग्रेज़ आ पहले गए थे, लेकिन 1857 के जंग के बाद अंग्रेज़ पूरी तरह से हिंदुस्तान पे आ गए। ठीक, उसके बाद हिंदुस्तान में जो भी काम था, जो भी चीज़ थी, सब अंग्रेज़ों के हाथ में हो गई। ठीक, जब हमारा पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के तहत तो ब्रिटिश सेना तो थी, भारतीय सेना को भी मजबूरी में जाना पड़ा। ठीक है, तो जब वो वहाँ गए तो जाहिर सी बात है लड़ाई में कोई पार्टी तो होती नहीं है, लड़ाई में तो बेचारे लोग मरते, बेकसूर लोग, है ना। तो अब उसमें जो ब्रिटिश के लोग मरे वो भी, और जो इंडियन सेना यानी भारतीय सेना के लोग मरे वो भी, जो भी उसमें लोग मरे उन सब का नाम यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ये उन्हीं के सम्मान में बनाया गया। और इसमें जो आपको बीच की जगह दिख रही है ना, यहाँ पे हर वक्त अमर ज्योत जलती रहती है। ठीक है, देखिए यहाँ पढ़ते हैं हम लोग, 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। ठीक है, ये लॉर्ड इरविन जो है अंग्रेज़ों के जो हेड थे वो थे यहाँ पे। अब क्या लिखा है, 1971 से अमर जवान ज्योत, अब इसका जो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया ज्योत, उसका पूरा नाम क्या है, अमर जवान ज्योत, भारत के लिए प्राण निछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में, यानी अब क्या बोल रहे हैं कि उनकी याद में ये हमेशा जलती रहेगी, प्रज्वलित रहेगी, यानी कि हमेशा जलती रहेगी और हमें उनकी याद दिलाती रहेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका होता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, चलिए आंसर्स को देख लेते हैं फटाफट। आपको लाल किले का महत्व बताना था पहले क्वेश्चन में, तो पहले क्वेश्चन में आप यहाँ से लिख लेंगे। देखिए पहले तो आप ये लिख लेंगे कि इसका निर्माण दिल्ली की यमुना नदी के तट पर किया गया है लाल बिलुआ पत्थर से। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट आप ये भी लिख देंगे कि स्वतंत्रता के बाद से प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर ही झंडा फहराते हैं, तो इसलिए इसका महत्व जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है भाई, लाल किले पर ही फहराते हैं, इंडिया गेट, ताजमहल, किसी और पर तो नहीं फहराते। ठीक है, तो इसलिए इसका महत्व जो है वो बढ़ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन कीजिए, इसका महत्व क्या है। तो आप देखिए यहाँ से लिख लेंगे, ये एक युद्ध के स्मारक है। ठीक है, यानी युद्ध के दौर में बनाई गई है, और इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद हुए थे ब्रिटिश भारतीय सेना, उनके जवानों के इसमें ये सम्मान में बनाई गई है। तो आप यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपको, कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए, यानी वो सामग्री जो कुतुब मीनार बनाने के लिए यूज़ की गई थी। तो देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं कि देखिए इसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, इसके अलावा संगमरमर का भी इस्तेमाल किया गया था, संगमरमर के साथ साथ बलुआ पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो आप ये तीनों चीज़ों के नाम लिख देंगे। अब आपका आखिरी क्वेश्चन जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ लिखा है, बताइए कि महामारी के अंत के उपरांत आप विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो आप कौन से ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे। तो देखिए मैंने अपनी तरफ से आंसर ये लिखा है कि मैं इंडिया गेट जाना चाहती हूँ। क्यों, क्योंकि वहाँ जो अमर जवान ज्योति है उसको मैं देखना चाहती हूँ। ठीक है, अब आपको जो भी अच्छा लगे आंसर, आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जिस भी जगह पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपना रीज़न भी देना है कि आप क्यों जाना चाहते हैं उस जगह पर। ठीक है, खाली हम मस्ती करने, आइसक्रीम खाने, चॉकलेट्स खाने के लिए नहीं जा सकते। ठीक है,
वहाँ जाने का कोई रीज़न भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अब आप 6 to 8 क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग बड़े हो चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए, मैंने जैसे लिखा कि मैं इंडिया गेट जाना चाहती हूँ, और मैं वाकई जाना चाहती थी जब मुझे ये बात नई नई पता चली थी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उसी दौर का अपना आंसर आपको बताया है कि जब मुझे ये बात पता चली तो मैं वहीं जाना चाहती हूँ ताकि मैं अमर जवान ज्योत को देख सकूँ, वहाँ जो नाम लिखे हैं उनको देख सकूँ कि क्या नाम है, क्यों नाम है। ठीक है, तो इस तरह से आज की वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।